डीएवी पीजी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नवचेतना मंच के चेयरमैन एसपी चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर डीएवी पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल आरपी सैनी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 2020 वर्ष नवचेतना मंच द्वारा नशा मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका पहला कार्यक्रम करनाल के डीएवी पीजी कॉलेज में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है और युवाओं के बैग में जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए किताबें होनी चाहिए, वहां गोलियां व कैप्सूल मिल रही हैं। ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं को जागरूक करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में एनएसएस और एनसीसी के छात्र बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जो आगे चलकर युवाओं को जागरूक करेंगे और ऐसे कार्यक्रम नशा रोकने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं मुख्य अतिथि एसपी चौहान ने बताया कि नवचेतना मंच वर्ष 2020 को नशा मुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें विभिन्न कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं को नशे से होने वाली बुराइयों के बारे में जागरूक किया जाएगा। आज के दौर में युवा भयंकर नशे व अन्य कुरीतियों में जकड़ता जा रहा है, जिसको बाहर निकालने के लिए नवचेतना मंच इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस मौके पर नवचेतना मंच के सभी पदाधिकारी व कॉलेज के छात्र छात्राएं व स्टाफ मौजूद रहा। देखिए एक रिपोर्ट। में इस कार्यक्रम का आयोजन डीएवी कॉलेज में किया है, तो ये 2020 का जो वर्ष है पूरा वर्ष नशा विरोधी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, नशा मुक्ति के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें नवचेतना मंच के जितने भी और संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं। तो हमारा भी सौभाग्य है कि डीएवी कॉलेज को भी इसमें जोड़ा गया है। अभी दूसरे कॉलेजेस में यह मुहिम चलेगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ा मिशन है, बहुत ही पवित्र मिशन है और ये बहुत ही देश के निर्माण में ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि युवाओं को नशे ने खोखला कर दिया है और ये नशे की बुरी प्रवृत्ति जो है वो युवाओं को गिरफ्त में लेती जा रही है। हम हर रोज देखते हैं कॉलेज में कितने बच्चों के पास गोलियां या कैप्सूल या और दूसरी चीजें पकड़ी जाती हैं, नशा लेना शुरू कर दिया है विद्यार्थियों ने, तो उसमें ये बहुत ही कारगर साबित होगा। मेरा ये पूरा विश्वास है। हमारे इसमें एनएसएस के एनसीसी के सारे वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम और भी बड़े लेवल पे अपने कॉलेज में द्वारा आयोजित करेंगे और इसके बाद ये कार्यक्रम दूसरे कॉलेजेस में और पूरे हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया के साथी भी इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं, करेंगे और करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन जन जन तक ये आवाज जानी चाहिए। जब तक जागृति होगी और बच्चों को विद्यार्थियों को हम युवाओं को नशे से रोक पाएंगे, तभी हमारे देश का निर्माण होगा और भविष्य सुरक्षित होगा। मैं इसकी बहुत ही भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और बहुत ही शुभकामनाएं प्रोषित करता हूँ और ये संदेश भी देता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, आप भी खुद संकल्प लें, शपथ लें कि ना तो हम खुद नशा करेंगे और दूसरे भी जो लोग हैं उनको 10-10 लोगों को कम से कम अपने आसपास के लोगों को नशा करने से रोकेंगे। सब क्या कहेंगे आज, क्या करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज नशे के खिलाफ जैसे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये नवचेतना मंच ने घोषणा की थी कि हम 2020 जो है वो तो पूरा वर्ष हम नशे के खिलाफ जन जागरण कैंपेन चलाएंगे स्कूल्स में, कॉलेज में, और डिसाइड किया गया था कि डीएवी कॉलेज पीजी कॉलेज से इसका हम शुरुआत करेंगे, इसका श्री गणेश करेंगे। तो आज हालांकि मौसम खराब है, ये प्रोग्राम बाहर ग्राउंड में होना था बहुत लार्ज स्केल पे, पर क्योंकि प्रकृति ने ऐसा नहीं चाहा और बरसात की वजह से ये हम आज हॉल में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये एक बिगुल बजा है, 2020 का प्रथम प्रोग्राम है ये नशे के खिलाफ, क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब की तरह हरियाणा में भी बहुत तेजी से ड्रग्स फैल रहा है। हमारे मासूम बच्चे जो नहीं जानते कि ड्रग्स का आफ्टर इफेक्ट क्या है, वो नहीं जानते कि ड्रग्स एक बार शुरू हो जाए तो जिंदगी के साथ ही खत्म होती है। इतना आसान नहीं है कि एक बार ड्रग्स में हमारा बच्चा कोई फंस गया जाने अनजाने, वो निकल नहीं सकता, मौत ही उसका एक रास्ता है निकलने का। इसलिए हम चाहते हैं कि समय रहते हम अपने तमाम बच्चों को जगाएं और बताएं कि नशे के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, नशे के ड्रग्स के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, और वो जागे और अपने माता पिता का जो खून पसीने की कमाई है, जो पैसा है, उसको अपनी पढ़ाई पे आगे बढ़ने पे लगाएं और नशे से बच के रहें।
वैसे ही चरित्रहीनता का बड़ा दौर चला हुआ है, हर तरह से समाज में काली आंधी है। अगर नशे के चंगुल में फंस गए तो मैं समझता हूँ कि घर परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो आज यहाँ से मैं आरपी सैनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहला कदम अपने कॉलेज से शुरुआत कराया है और बच्चे बड़े उत्सुक हैं, बड़े प्रोत्साहित हैं कि वो नशे के खिलाफ जिस तरह का भी सहयोग कर सकते हैं वो इस मोमेंट में करेंगे। चौहान साहब, जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.